नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत आज की बुलेटिन के साथ। अलीगढ़ में अपार्टमेंट की पार्किंग में एक महिला का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या तार से गला घोंचकर की गई है और फिर महिला को फांसी पर लटका दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कमल जन संदेश पथ पर यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर शहर की मेयर मौजूद रहीं, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार में सभी लोगों को लाभ मिला है और कहा कि जो भी मोदी सरकार ने संकल्प किए हैं उसे पूरा भी किया है। बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुद्दई इकबाल अंसारी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि धमकी भरे पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद बिहार पटना लिखा हुआ है। इस पत्र में इकबाल अंसारी को मुकदमा वापस न लेने के बदले जान से मारने की धमकी दी गई है। ये जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये पत्र मिला है, धमकी भरा पत्र है, मुकदमा वापस लो वरना मार दिए जाओगे, तो लिखा हुआ है। बहुत सी बातें लिखी हुई है ये धमकी भरा पत्र लोगों ने दिया है, कहाँ के हैं कैसे हैं, लेकिन इसने पता बिहार का है, समस्तीपुर बिहार लिखा हुआ है। आजमगढ़ में सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुलंदशहर हिंसा को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर हिंसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की साजिश का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान में ध्रुवीकरण करने को लेकर साजिश रची गई और बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं। बुलंदशहर की घटना अब तक जो बातें उभर के आई हैं उसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की साजिश। कन्नौज में बाइक सवार तीन लोगों को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक एक्सीडेंट हो गया, हम लोग यहीं पर रुक गए, तो एम्बुलेंस लगवा के जो है भेज दिया। तो कितने लखनऊ में गायक अनूप जलोटा ने फूलों के रंग से एल्बम का लोकार्पण किया। आपको बता दें इस एल्बम की लॉन्चिंग के लिए जलोटा विशेष रूप से आए थे, वहीं इस मौके पर गायक राजेश अरोड़ा ने इस गाने को लोगों को सुनाया। रायबरेली में महिला पत्रकार से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला ने अस्पताल की नर्स का अवैध वसूली करते हुए स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद नर्सों ने महिला पत्रकार को बंधक बनाकर पीटा था। मामले में पुलिस जांच कर रही है। श्रावस्ती के गांव में कोटेदार की मनमानी देखने को मिली। आपको बता दें कि कोटेदार कार्ड धारकों को 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन बांट रहा है, वहीं मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थनगर के स्थापना दिवस पर कपिल वस्तु महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने किया। आपको बता दें कि 7 दिन तक लगने वाले इस महोत्सव में प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है।